मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय सेल्फ विजेंद्र चौहान फ्रॉम श्री नारायण विद्यालय कन्हान एंड आई एम योर मैथ्स टीचर एंड टुडे वी आर डूइंग चैप्टर 13 प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ स्टैंडर्ड 6। सो स्टूडेंट, आज हमको प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है थ्रू दिस चैप्टर। सो वन एग्जांपल इज गिवन हियर ऑन द बोर्ड। इसको आप देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए और यहाँ जो डिटेल्स दी गई है प्रणव शॉप की, जो प्रणव है उसका एक शॉप है, उसके स्टॉल में उसने जो अरेंजमेंट किया था, जो जो उसको लगा मटेरियल, उस मटेरियल की यहाँ पर एक लिस्ट दी गई है जिसमें उसको वेजिटेबल्स लगा था 70 रुपीज़ का, बटर 25 रुपीज़, ब्रेड 45 रुपीज़, मसाला 14 रुपीज़ एंड मिसलेनियस इज 20 रुपीज़। सो टोटल 174 रुपीज़ का उसको स्टॉल के लिए खर्च आया, जो उसने बिजनेस, न्यू बिजनेस जो स्टार्ट किया, उस न्यू बिजनेस में उसको स्टार्ट करने के लिए 174 रुपीज़ टोटल इन्वेस्टमेंट रहा, मीन्स टोटल खर्चा उसको इतना लगा। उसके अलावा जो अमाउंट उसको ये सब बेचकर टोटल मिला वो था 160 रुपीज़। मीन्स उसको बिजनेस में स्टार्ट करने के लिए लगे 174 रुपीज़ और साथ में उसको उस 174 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट हुआ वो था 160 रुपीज़ का। मतलब जो मटेरियल लगा वो ज़्यादा था और जो अमाउंट उसने गेन किया वो कम था, मीन्स उसका लॉस हो गया। तो लॉस कितना हुआ, 174 माइनस 160 14, 14 रुपीज़ का उसका टोटल लॉस हुआ। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। देन स्टूडेंट, डिटेल्स ऑफ सरिताज शॉपिंग फॉर अ स्टॉल। सरिता के स्टॉल के लिए सरिता को टोटल कितना खर्चा आया। उसने प्लेट्स ली 20 रुपीज़ की, स्पून्स 10 रुपीज़, चटनी 30 रुपीज़, पफ राइस 50, ऑनियंस 20 एंड मिसलेनियस 60 रुपीज़। ओवरऑल टोटल होता है 190 रुपीज़। मीन्स जो स्टॉल है उसके लिए कॉस्ट प्राइस जो लगा सरिता को, उस कॉस्ट प्राइस में टोटल 190 रुपीज़ का उसको इन्वेस्टमेंट आया उसके बिजनेस के लिए। लेकिन देन अमाउंट सरिता गेन बाय सेलिंग, अब ये सब कुछ उसने सेल कर दिया, मतलब बेच दिया, तो बेचने के बाद उसका प्रॉफिट आया 230 रुपीज़। सो ये जो टोटल 230 रुपीज़ है यह है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस था 190 रुपीज़। तो स्टूडेंट्स, 230 में से अगर हम 190 माइनस करते हैं तो यह हमें 40 रुपीज़ का प्रॉफिट दिखता है। हाउ मच, 40 रुपीज़। सो सरिता ने 40 रुपीज़ का प्रॉफिट गेन किया है, मतलब उसका 40 रुपीज़ का फायदा हुआ है। मींस अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो वो प्रॉफिट होता है, और अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो वो लॉस होता है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द concept all about profit and loss which is given in the chapter number 13 of your class. So still if you have any doubt regarding this lecture which is related to the profit and loss, you can simply ask me by doing phone call or messages. So I hope you understand. Thank you.